हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक। आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 1 है जिसके अंदर हम कवर करेंगे द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ बेसिक टर्म्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर हम लोग प्लीज क्या करने वाले हैं, जो बेसिक हमने एक कॉइन टॉस किया, दो कॉइन टॉस किया, एक डाइस रोल किया, दो डाइस रोल किया, कार्ड सिलेक्ट किया, जो आपने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट किया था ये वही है, बट यहाँ पे कंडीशन जो है थोड़ा सा अलग आने वाला है, चीजें सेम होने वाली है। देखो तीन टॉपिक हुआ इससे कनेक्शन में, आपको कौन से टॉपिक याद रखने हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक टॉपिक जिसके अंदर कॉइन आया था, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी जो अभी पिछला लेक्चर में अपन खत्म किए, एंड द थर्ड टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों टॉपिक के अंदर सम सिमिलर ही लगते हैं। परम्यूटेशन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, पी। कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन लेना है, याद आया। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी में आपने क्या किया, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी फाइंड किया था आपने, भाई कार्ड सिलेक्ट कर लिया तो सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी सबका कॉम्बिनेशन था वो। अभी आज जो कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी थियरी या डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट को क्लियर करने हैं। बहुत ही सिंपल लेसन है और कुछ 8-10 सम भी करोगे तो लेसन खत्म हो जाएगा, दो लेक्चर के अंदर मोस्टली ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते, देखते क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन दिया है टू पेयर डाइस आर रोल, डाइस में कितने नंबर होते हैं आर्यन, आर्यन चार बोलता है ना अपने को, आर्यन कितने होते हैं, छह। अभी यहाँ पे कितने डाइस रोल करने गए, दो डाइस। जब मैं दो डाइस रोल करूंगा तो सैंपल स्पेस कितना आएगा आर्यन, 36 अगर आपको याद होगा तो। एक डाइस पे 6 नंबर है और एक डाइस पे 6 नंबर है, दोनों डाइस को साथ में रोल करेंगे तो 6 और 6 कितना होता है, 36। तो 36 नंबर्स लिखने हैं, तो पहले डाइस पे 1 2 3 4 5 6 आपको याद होगा, ऐसा हमने इसके पहले किया है, बराबर है क्या, नहीं तो ये आपके 6 हो गए। ऐसे कितनी बार आपको लिखने का, 6 बार। तो ये वापस से 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बोलो 1 4 5 6 कितनी बार हो गया, 4 बार, 5 बार हो गया और 1 बार, 1 2 बराबर है, बराबर है कुलदीप। अब क्या करेंगे मालूम है, कॉलम नंबर देंगे, ये फर्स्ट कॉलम है तो कॉमा 1 1 1 1 1 1, ये फर्स्ट हो गया दो डिजिट के नंबर। अभी इधर 2 2 2 2 2 2, ये समझा, वैसे 3 3 3 3 3 3, यहाँ पे 4 4 4 4 4 4, यहाँ पे 5 5 5 5 5 5, यहाँ पे 6 6 6 6 6 6 एंड 6। तो जब मैं दो डाइस रोल करूंगा तो दो नंबर्स आएंगे, अब वो दोनों 1 1 हो सकता है, दोनों 6 6 हो सकता है, एंड सब इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, बात समझा। तो कितने गांव वाले यहाँ पे, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 36। दो डाइस रोल किया, सैंपल स्पेस लिख सकता था तो मैंने लिख दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है कुलदीप, जरा देखते। क्वेश्चन में बोला है टू फेयर डाइस आर रोल्ड, इफ एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर अपियरिंग ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाइस। एक्स क्या डिनोट कर रहा है, सम ऑफ द नंबर। अभी सम ऑफ द नंबर मतलब है कि यहां पे वो क्या बोलना चाह रहा है, एक हमने वेरिएबल लिया है एक्स, और ये एक्स में क्या आने वाला है, सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है, डाइस फेंको, उस पे जो नंबर आया है उसका सम यानी कि टोटल निकालो। तो हमने डाइस फेंका है, तो अगर आप छोटे से छोटे नंबर का भी टोटल होगे तो सबसे छोटा नंबर क्या रहेगा, 2 1 और 1 2, और सबसे बड़ा नंबर क्या रहेगा, 6 प्लस 6 12। मतलब सम ऑफ द नंबर्स मेरे पास कौन से होंगे, 2 से चालू होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x का वैल्यू 11 एंड 12।
मतलब सम ऑफ द नंबर्स मेरे पास कहां से कहां तक है, 2 से चालू होगा और 12 तक होगा। देखो ये 2 2 है, ये 3 4 5 6, ऐसे आपको 12 तक नंबर्स मिलेंगे। तो सम ऑफ द नंबर्स मेरे पास कहां है, 2 से लेके 12 तक, ये समझा। अब मैं इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेता, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स। फॉर्मूला क्या था, कितने आदमी थे अपॉन गांव वाले, तो भाई 2 का टोटल कितनी बार है, सिर्फ एक बार, कितने में से, 36 में से, अरे समझा। 3 का टोटल कितनी बार है ना, इन दोनों का टोटल, इधर कितना पॉसिबिलिटी है, 2 आउट ऑफ 36। 4 का टोटल समझ में आ रहा है, 3 आउट ऑफ। 5 का टोटल इसका, इसका, अरे समझ में आया। 7 का टोटल 5 बार आएगा, मैक्सिमम 6 है ना अपने पास। देखो 7 का टोटल, 7 यहां से चालू हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 6, 7 का टोटल तक आ गया अपन, बराबर। अभी 8 का टोटल करो, कम हो जाएगा, 7 नहीं होएगा, 1 2 3 4 5, इसका टोटल आएगा 5 आउट ऑफ 36। क्या बात है, 3 आउट ऑफ 36, इसका 2 आउट ऑफ 36 और इसका 1 आउट ऑफ 36। अरे ये समझा मैंने क्या किया। तो अब वो जो भी बोलेगा, जो भी वो बोलेगा, जो नंबर बोलेगा उसका आंसर मेरे पास है। नंबर 2 का पॉसिबिलिटी बोलो, 1 आउट ऑफ 36। नंबर 5 का पॉसिबिलिटी बोलो, 4 आउट ऑफ 36। अरे समझा। तो इस टॉपिक में आपको क्या करना है, जो एक्स है वो ढूंढना है और उसका पॉसिबिलिटीज ढूंढना है। ये सैंपल स्पेस तो है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्स और पी ऑफ एक्स है, ये फाइंड करना। एक्स और पी ऑफ एक्स में या बाद में जो क्वेश्चन ने पूछा है उसका आंसर देते रहने का। तो क्वेश्चन ने बोला था एक्स का मतलब है सम ऑफ द नंबर, तो पहले मैंने सम ऑफ द नंबर ले लिया, फिर उसकी पॉसिबिलिटीज फाइंड कर ली, ये समझा। अब पूछा क्या है, पहला पूछा है फाइंड पी ऑफ एक्स, वेयर पी ब्रैकेट में बोला है एक्स का जो वैल्यू है वो लेस देन 4 है। पी ऑफ एक्स फाइंड करना है, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या है, 4 से छोटा। एक्स का वैल्यू 4 से छोटा मतलब 3 और 2 ना, अरे समझा। मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन 4, मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल टू 3। ये दोनों फाइंड करने बोल रहा है ना, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। लेस देन 4 मतलब 3 एंड 2 ना, अरे समझा। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन 4 विल बी, इसका आंसर है 1 अपॉन 36, इसका आंसर है 2 अपॉन 36, 3 अपॉन 36। बेबी को बेस पसंद आता है, डिनोमिनेटर सेम है, विच इज इक्वल टू 3 1s 3 2s। प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स लेस देन 4 का आंसर 1 अपॉन 2 हो गया, सम, समझा। दूसरा क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स ग्रेटर देन equals to 10, greater than or equals to, मतलब x का वैल्यू 10 एंड 10 से बड़ा, इक्वल का साइन आ गया नीचे। अगर ये साइन नहीं होता तो इसका मतलब है x से बड़ा चाहिए, मतलब 10 से बड़ा नंबर क्या आएगा, 11 और 12। लेकिन यहां पे जब इक्वल टू का साइन आया तो 10 भी काउंट किया जाएगा, समझा। तो आपको 10 11 और 12 चाहिए, मतलब इसका आंसर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल्स टू 10, एक्स इक्वल्स टू 11, प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स इक्वल्स टू 12। तीनों समझ में आया क्या, तो एक्स इक्वल्स टू 10 का आंसर, 11 का आंसर, 12 का आंसर है ना अपने पास। यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 3 अपॉन 36, 2 अपॉन 36, 1 अपॉन 36। अरे समझा ना, ये समझा ना बराबर कैसे लिखा हो, चलिए ठीक है, फिर बेबी को बेस पसंद आ जाएगा, 6 अपॉन 36, 1 अपॉन 6, समझा। बस यही आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी और डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। सेकेंड वन था ये, फर्स्ट वन, और क्या पूछा है जरा देखते। आगे पूछा है प्रोबेबिलिटी फॉर 3 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 7,
इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से, एक्स का जो वैल्यू है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक्स का वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए, सॉरी 7 से छोटा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से बड़ा, 7 से छोटा मतलब ये ना, समझा? 3 चाहिए क्या? नहीं। 7 चाहिए क्या? नहीं। क्यों नहीं चाहिए? इक्वल टू का साइन नहीं ना यहाँ पे, अगर इक्वल होता तो 3 भी लेते और 7 भी लेते, अब इक्वल टू नहीं है मतलब 3 से बड़ा और 7 से छोटा, क्लियर? तो इधर आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 5 प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 6, और अपने पास है पहले से, विच इज इक्वल टू x इक्वल टू 4 का वैल्यू कितना है, 3/36, 4/36, 5/36, 12/36, 1/3, प्रोबेबिलिटी फॉर 3 लेस देन x लेस देन 7, ये आपका थर्ड वन, बात समझा? बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, उसके बाद और एक पूछा है फोर्थ वन, फॉर p x ग्रेटर देन 3, अब जरा ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जाएगा, हाँ या नहीं? अब मैं इसे दो तरीके में सॉल्व करने बता रहा हूं, एक तो सीधा सॉल्व करेगा जिसको मैं बोलूंगा क्रिश 3 से बड़ा, तो क्रिश बोलेगा सर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबको साथ में ऐड करो, नॉर्मल लोग, नॉर्मल लोग, अभी मेंटोस जिंदगी, हम उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, सर 3 से बड़ा इतना नंबर है ना, तो 3 से छोटा कौन सा नंबर है, 2 ही है ना ऊपर, अरे बात समझा, अभी 3 से बड़ा में आपने 3 लिया है क्या, क्या बोला था इधर ग्रेटर देन 3, तो आप कौन से नंबर ले रहे थे, 4, 5, 6, 7, 8, तो 3 से छोटा नंबर में कौन सा देना है, 2 और 3, 3 तो चाहिए नहीं ना उसको, उसको यही सब चाहिए ना, तो मैं इसका रिवर्स करता हूं, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 3, जरा ध्यान देना, मैं क्या कर रहा, कौन से नंबर आ सकते हैं, 3 और 2 आ सकता है ना, मेरे को चाहिए ये, बट मैं इसका उल्टा कर रहा हूं, जो नहीं चाहिए उनको ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, रिवर्स में जा रहा हूं, तो रिवर्स में आंसर क्या आने वाला है, 2/36, 1/36, 3/36, ये समझा, रिवर्स में जा रहा हूं, तो अब मैं रिवर्स ही करूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 3, दैट इज 1 माइनस 3/36, 36 माइनस 3/36, 33/36, रिवर्स, आप देखो इधर भी प्लस करके, 3 और 4 कितना आएगा, 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 5 23, 4 27, 30 32 33, मेंटोस जिंदगी, समझ में आया क्या किया मैंने, इतना सा प्लस करने से जो कम था उसको प्लस कर दो और माइनस 1 कर दो, अब जैसा आपको इजी लगे, आपको ऐसा है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करने का है, सब प्लस करो तो भी वही आंसर आएगा, या तो रिवर्स कर दो, अब रिवर्स कब करते हैं, जब सारे नंबर इतने बड़े हैं ना, तो उसका रिवर्स बेटर रहता है, छोटा नंबर भी ऐड हुआ ना यहाँ पे, शॉर्ट में आंसर आ गया, समझ में आया, कंप्लीट करो, चलिए स्टार्ट करते सेकेंड क्वेश्चन, देखते क्या दिया है, इफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स इज गिवन, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स पहले से दिया है, देखो प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स कितना दिया है, 1/16, और उधर एक्स का वैल्यू दिया है -1.3 नहीं है, -1.3 है, मतलब क्या है जरा ध्यान देना, एक्स का वैल्यू -1 और 3 अगर है तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/ कुछ तो दिया आपको 16, 1/16, मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर एक्स 1/16 है अगर एक्स का वैल्यू -1 और 3 है, अरे समझा, समझा, आगे प्रोबेबिलिटी है 3/8 अगर एक्स का वैल्यू 0 है, अगर एक्स का वैल्यू 0 है तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 3/8, अगर एक्स का वैल्यू प्रोबेबिलिटी 1/4 है अगर एक्स का वैल्यू 2 और 4 है, तो अगर मेरे को इसको अच्छे से लिखना है, नंबर्स ऊपर नीचे हो गए ना, तो मैं इसको अच्छे से लिखूं तो सबसे छोटा नंबर -1, फिर 0,
फिर वन नहीं है, फिर टू आएगा, थ्री आएगा और फोर आएगा। तो अगर मैं इसको प्रेजेंट करूं अच्छे से तो ऐसा लिखता हूं, x का वैल्यू -1, 0, 2, 3, 4, ये समझा। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x माइनस वन के लिए कितना है 1/16, 0 के लिए कितना है 3/8, फिर 2 और 4 के लिए दिया था ना कितना है 1/4, तो इधर 1/4, इधर भी 1/4 और यहाँ पे 1/16, जो अभी मैंने इसके पहले कॉइन के लिए किया था, सॉरी डाइस के लिए किया था, x और उसका वैल्यू मिल गया। समझा क्या फाइंड करना है जरा देखो, तो फाइंड करना है, अदरवाइज जीरो भी दिया, अदरवाइज जीरो का मतलब क्या मालूम है, माइनस वन, जीरो, इसमें मिसिंग नंबर क्या है वन, तो वन का प्रोबेबिलिटी कितना है, जो मिसिंग है ना उसका प्रोबेबिलिटी कितना है जीरो। सर आपको कैसे मालूम पड़ा, उधर लिखा है अदरवाइज जीरो, अदरवाइज जीरो मतलब अगर वो नंबर नहीं है जो मिसिंग नंबर है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या लेने का, जीरो ले लेगा। ठीक है, चलिए अब क्या फाइंड करना, फाइंड p ऑफ x इक्वल्स टू थ्री, x इक्वल्स टू थ्री कितना आएगा, समझा। तो फर्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू थ्री इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी फॉर थ्री, x इक्वल्स टू थ्री दैट इज इक्वल्स टू 1/16, समझा क्वेश्चन। सेकेंड क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन वन, लेस देन वन में आएगा जीरो और माइनस वन, वन से छोटा, वन से छोटा क्या है जीरो और माइनस वन है, समझा। तो यहां पे आएगा प्रोबेबिलिटी फॉर जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर वन, तो प्रोबेबिलिटी माइनस वन, तो जीरो का आंसर कितना है 3/8 और माइनस वन का आंसर 1/16। बेबी को बेस पसंद आना चाहिए, 8 है 16 है, मल्टीप्लाई बाय 2 16 होगा, ऊपर भी करेंगे तो 6/16, 1/16, 7/16, समझा। ये प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 1 का आंसर, ये आपका सेकंड, समझा। ये थर्ड वन क्या है देखो जरा, व्हाट इज थर्ड वन, x ग्रेटर देन 3, p ऑफ x ग्रेटर देन 3, तीन से बड़ा क्या है, चार ही है ना अपने पास, तो बाय इसका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 4, बोले तो कितना है, समझा, कंप्लीट कर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, x दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है और अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछा, मतलब खाली प्रोबेबिलिटी पूछा और कुछ भी नहीं पूछा। चलिए फिर स्टार्ट करते, बहुत सिंपल सा सम है, x दिया है क्वेश्चन में और क्या दिया है फ्रीक्वेंसी, x का वैल्यू बोलिए 1, 3, 4, 5, 8, 10, बस इधर 19, 33, 42, 61, 32, 13, इसका टोटल ले लो फ्रीक्वेंसी का, फट से फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लो, 9 और 3, 12, 14, 15, 20, 2, 3, 6, 10, 16, 19, 20, 200, चलिए। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x विल बी, अगर 1 है, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 19/200, सैंपल स्पेस 200 है ना, इधर 33/42/61/32/13/ हो गया आंसर, यही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x का वैल्यू 1 है तो आंसर, x का वैल्यू 3 है तो आंसर, 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, इजी। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अब तक आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया, अभी भी वही कर रहे हैं, बट अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले उसमें एक्सपेक्टेड वेरियंस एंड वेरियंस पूछा जाएगा, एक्सपेक्टेड वेरियंस एंड वेरियंस पूछा जाएगा, एक्सपेक्टेड वेरियंस मतलब ई, वेरियंस मतलब वी, तो अपने क्वेश्चन में ई ऑफ एक्स वी ऑफ एक्स पूछा जाएगा। इसके पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स था, अभी ई ऑफ एक्स वी ऑफ, तो e of x कैसे फाइंड करेंगे, तो e of x का फॉर्मूला है समेशन, इसे क्या कहते हैं समेशन यानी कि टोटल,
टोटल करना है x इंटू पी ऑफ x, ये x था ये p ऑफ x था, इनको मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा उसका टोटल निकालो, e ऑफ x आ गया। अरे समझा? एंड v ऑफ x अगर फाइंड करना है तो उसके लिए और एक कॉलम आ जाएगा, ex स्क्वायर माइनस ex द होल स्क्वायर। ex तो आपने अभी सॉल्व किया, कैसे मिलता है वो तो आपके पास रहेगा, तो इसके लिए आपको और एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ex स्क्वायर। x स्क्वायर आपके पास x है, इसका स्क्वायर करना है, इसको p ऑफ x से मल्टीप्लाई करना, टोटल लेना है, तो ex स्क्वायर मिलेगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इन्वॉल्व होने वाला है। देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, इफ x इज अ नंबर अपियरिंग ऑन एन अपर मोस्ट फेस ऑफ अ डाइस, फाइंड e ऑफ x एंड v ऑफ x। क्वेश्चन समझा क्या है? x क्या है, तो हम x क्या है, नंबर अपियरिंग ऑन अ डाइस। डाइस पे कौन से नंबर आते हैं? एक मिनट, आर्यन डाइस पे कौन से नंबर आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहां तक आता है? 6 तक आता है। मतलब x जो है मेरा ये नंबर के लिए है, तो इस पे कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5 6। अब 1 आने के चांसेस कितने हैं, कितने में से, क्योंकि सैंपल स्पेस तो गांव वाले 6 है ना। 2 आने के चांसेस एक ही बार है ना, एक डाइस में 2 एक ही बार आएगा ना, बराबर है। 3 आने के चांसेस, 4 आने के चांसेस, 5 आने के चांसेस। अरे बात समझ में आया? अरे समझा, 1 का भी एक बार है, 2 का भी एक बार है, 3 का भी, सबका एक एक बार चांसेस है, कितने में से? 6 में से। तो ये p ऑफ x आ गया, ये समझा। अब मुझे e ऑफ x और v ऑफ x फाइंड करना है, तो e ऑफ x के लिए मेरे लिए क्या करना पड़ेगा, इधर कॉलम बनाना पड़ेगा, e इंटू p ऑफ x। e इधर ध्यान दे, ये x और ये p ऑफ x अपन डाउनलोड कर लेंगे, 1/6 2/6 3/6 4/6, ये समझा। अब इसका टोटल ले लेगा, 1+2 3+3 6+4 10+5+6 21/6, समझा। कुछ स्टूडेंट को ऐसा हैबिट होता है कैंसिल कर देते, यहाँ पे कैंसिल कोई जरूरत करने का नहीं, क्योंकि बेबी को बेस पसंद आता है, सब 6 तो डायरेक्टली प्लस हो जाता है, बात समझा, इसलिए मैं कैंसिल नहीं कर रहा। ये हो गया पहला। अब मैं x स्क्वायर करूंगा, ये x स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये समझा। अब p ऑफ x तो मेरे पास पहले से है, अब p ऑफ x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, मतलब ये और ये मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे दूसरा एक कॉलम बनेगा, वो है x स्क्वायर p ऑफ x। तो क्या आएगा बताओ? 1/6 4/6 9/6, क्या बात है, फिर 25/6 एंड, अरे ये समझा। अब इसका भी टोटल लेते, 1+4 5 5+9 14 14 होगा ना, 14+16 14+16 30 30+5 55 55 55+6 61+3 91 91/6, ये समझ गया। अब ये दोनों क्यों फाइंड किया? बिकॉज मुझे v ऑफ x और e ऑफ x दोनों फाइंड करना था, तो पहले मैं e ऑफ x फाइंड करता हूं। e ऑफ x का फॉर्मूला क्या है? e ऑफ x का फॉर्मूला है टोटल ऑफ x इंटू p ऑफ x। x इंटू p ऑफ x है, इसका टोटल कितना है? देयरफॉर e ऑफ x इज इक्वल टू 21/6, हो गया आंसर। दूसरा फाइंड करना है v ऑफ x, और v ऑफ x का फॉर्मूला है e x square माइनस e x the whole square। तो e x square का फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ x square p ऑफ x। ये लाने के लिए तो इसका टोटल अपन ने करके रखा है 91/6 माइनस e x के लिए, मतलब ये हुआ 21/6। अरे समझा, समझ में आया?
इधर कैंसलेशन हो सकता है अगर आप करोगे तो क्या होगा, 21, बट 21 मतलब 3 2 जा 3 7 जा, तो ये आएगा क्या, 7/2 द स्क्वायर, स्क्वायर करना है ना, विच इज 91/6 माइनस 49/4। बेबी को बेस पसंद आना चाहिए, 6 है इधर 4 है, तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर 6 से मल्टीप्लाई करो, तो बेस सेम हो जाएगा। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 91 × 4 करो, आपको आंसर आ जाएगा 4, 4 9 36 अपॉन 24, 9 1 जा, बराबर है ना, माइनस यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 24 + 5 294 अपॉन 24। अब बेबी को बेस पसंद आ जाएगा, तो 364 माइनस 294 अपॉन 24, कैलकुलेटर तो आप लोग के पास है ही है, विच इज 30, पक्का मेरे को गड़बड़, 35 तो नहीं है, कितना 70 आएगा, 70 अपॉन 24। टू के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल करना, 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 2 जा एंड 35, पॉइंट में निकाला तो भी चलेगा, फ्रैक्शन में लिखा तो भी चलेगा। तो यहां पे आंसर में लिख रहा हूं 35/12, आप पॉइंट में भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही ले रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सम्स को कंटिन्यू करेंगे। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।